गुड मॉर्निंग टेयर्स, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वीक मिश्रा ट्रेडिंग में। टेयर्स, हम लोग जिस कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, 41.05 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है, अच्छी खासी कंपनी है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार से जानेंगे कि किस वैल्यू पे बाई करना चाहिए, न्यू लोग जुड़ भी सकते हैं या नहीं अभी करंटली इस कंपनी में, कैसी ओवरऑल कंपनी है, तो फुल एनालिसिस होने वाला है। जो चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, और आप भी अपने क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए ट्रेड हम लोग वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो NFL जो है 41.15 रुपीज़ पे ट्रेड होके क्लोज हुआ है। EPS जो है 1.05 है, ठीक ठाक है। मार्केट कैपिटल बिलियन में है, ठीक है। देखिए 19.427 बिलियन, अच्छा नंबर है। उसके बाद डिविडेंड टेड भी ये कंपनी शानदार प्रोवाइड करती है, 4.3% का PE, प्राइस अर्निंग रेशियो 37.3 है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, पर कुछ चीज़ें हैं जो इसके जो जैसे इस सेक्टर के जो हैं उनके काफ़ी बड़े नंबर होते हैं, तो इस हिसाब से 37 भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नंबर नहीं कहलाएगा। फिर फाइनेंसिस पे बात करें ट्रेस, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो हैं 57,000 लोग होल्ड करके चल रहे हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 3,300 से ऊपर हैं, तो एक अच्छा खासा मतलब सैलरी भी जाती होगी इससे। फिर उसके बाद प्राइस हिस्ट्री पे बात करें तो एवरेज वैल्यूम जो 10 डेज का है वो 2.498 मिलियन है। 52 वीक हाई जो है कंपनी का 44.95 रुपीज़, मतलब 52 वीक के क्लोज है, और 52 वीक लो जो है 14.70 रुपये है। हिसाब से अगर 52 वीक और हाई लो में अंतर करें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न अगर आपको दिया है कंपनी में। बैलेंस शीट पे बात करें ट्रेस, तो जो टोटल डेप्ट है कंपनी में 59 बिलियन का है। अच्छा देखिए ट्रेस, ये जो नंबर है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है इसके हिसाब से। उसके बाद अगर इसकी टोटल एसेट पे बात करें तो 125 बिलियन का इसका टोटल एसेट है। एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है कंपनी के ऊपर। और आगे बात कर लेते हैं, इसकी प्रोफाइल जान लेते हैं कि क्या किस फील्ड पे कंपनी वर्क करती है। तो जो सेक्टर है वो प्रोसेस इंडस्ट्री से आ जाता है, इंडस्ट्री केमिकल एग्रीकल्चर है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है इंगेज करता है मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करता है फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स को, काफ़ी सेगमेंट में ऑपरेट करता है, जैसे ऑन फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की ट्रेडिंग, फिर अदर प्रोडक्ट एंड सर्विस। ऑन करता है फर्टिलाइजर सेगमेंट में, यूरिया हो गया, बायो फर्टिलाइजर हो गया, इस तरीके के प्रोडक्ट्स। और ट्रेडिंग सेगमेंट पे कंपनी उन्हीं को इम्पोर्ट करती है उन्हीं प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट एंड अदर सेगमेंट पे आ जाता है कवर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, एग्रोकेमिकल और ट्रेडेड सीड्स। तो कंपनी जो फाउंड की गई थी अगस्त 23, 1974 में, हेडक्वार्टर इसका नोएडा इंडिया में है। आगे बात कर लें इसके प्रो कॉन्स में, तो अभी तक जो इसमें कौन मेंशन है वो एक ही मेंशन कर रखा है कि ट्रेडिंग वैल्यू नीचे है, बाकी जो कॉन्स है हम उसको अभी इसी में डिस्कस करेंगे। अगर प्रोज एक ही प्रोज है तो अभी हम जितने कॉन्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो लो रिटर्न ऑन इक्विटी है 3 ईयर का वो 11% है, पर लास्ट ईयर का काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। फिर उसके बाद माइट कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट है, तो ये भी एक थोड़ा इश्यूज रहता है। फिर उसके बाद डिविडेंड पे आउट, अभी भी ये लोग बोल रहे हैं 3 ईयर का जो है डिविडेंड पे आउट जो है वो बहुत कम है, बट अभी जो न्यू जुड़ेंगे उनके लिए ये अच्छा है क्योंकि अब 4% से ज़्यादा दे रही है कंपनी। फिर डेप्टर डेज इस कंपनी के ऊपर काफ़ी हाई हैं, 214 दिन, तो वो भी एक इशू की बात रहती है अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें लेके चल रहे हैं, वरना ट्रेडिंग और 3 मंथ 4 मंथ के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से बहुत अच्छी दिख रही है, इसीलिए मैंने आपको इसमें डिस्कस किया है। बाकी जो कंपनी को नहीं जानते थे उनके बारे में भी आपको नॉलेज मिल जाएगी। पीर कंपैरिजन कर लें ट्रेड्स, तो इस पे 5th नंबर पे बता रखी है, पर एक देखिए इसमें जितने भी कंपनियां मेंशन कर रखी हैं वो बस हल्का सा पार्ट इस फील्ड में वर्क करती हैं। जैसे IDBI बैंक, वो बैंक फील्ड में सबसे महारत होगा, उसमें ज़्यादा ही होगा तभी उसका नाम बैंक में है, बट उसके भी कुछ सब्सिडीज हैं या उसके भी कुछ पार्ट हैं जो फर्टिलाइजर फील्ड पे वर्क करती हैं, तो वो टॉप पे है मार्केट कैपिटल की वजह से। हम लोग अपनी जो मेन कंपनी है उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो डिविडेंड यील्ड देखिए शानदार प्रोवाइड करी है, यहाँ पे 2.31% है, बट आपको पता है अभी 4 पॉइंट का कुछ नंबर था जो इस बार मिला था, इसलिए बहुत बहुत शानदार है। अब नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट जो आने वाला है उसमें जो अनुमान लगाया जा रहा है वो अच्छे के लगाए जा रहे हैं। बाकी देखा जाए अभी क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएशन और सेल में, तो इसके अच्छे नंबर है, इस बाकी कंपनियों के हिसाब से दूसरे नंबर पे आ जाती है, तो वो भी बहुत अच्छी बात आ जाती है। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी जो है 5.69% है, तो ये भी थोड़ा चिंताजनक है, छोटा नंबर है, बट फिर भी ठीक है क्योंकि प्लस में है। फिर क्वार्टरली रिजल्ट पे बात करें ट्रेस, तो जिसकी वजह से मैंने आपको इसको चूज किया बताने के लिए, क्योंकि
प्रॉफिट रिजल्ट जो है वो प्लस में आ रहे हैं। मार्च 2020 में देखिए 249 करोड़ का लॉस था, फिर उसके बाद जून में जो है 108 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अच्छा खासा कवर। इस बार जो है 85 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। फिर किसान का वो भी चल रहा है, तो पंजाब के लोग तो अभी देखिए दूसरी चीजों में फंसे हुए हैं, और हरियाणा के लोग भी, तो किसानों की वजह से देखिए किसानों की फील्ड पे कंपनी वर्क करती है, तो फर्टिलाइजर मेनली सेल करती है, तो उसकी वजह से थोड़ी सेलिंग ग्रोथ घटी है। बट जो अनुमान है ज्यादा आने वाले नंबरों पे अच्छा, क्योंकि अल्टीमेटली इनका यूज तो होना ही है। प्रॉफिट लॉस पे बात करें ट्रेस, तो जो अभी कंपनी देखिए कितना प्रॉफिट शानदार बना रही थी, पर मार्च 2020 में आते हुए घटे हैं इसके नंबर। फिर उसके बाद अभी जो अगर 12 टीटीएम में आप नजर डालिए मार्च का, तो अब जानने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मार्च पिछले ईयर का है, तो नेक्स्ट मार्च आने वाला है 2 मंथ बाद, तो टीटीएम पे नजर डालेंगे हम लोग ट्रेडर्स। टीटीएम होता है पिछले 12 महीनों के नंबर, उसका नंबर देखा जाए तो 52 करोड़ है, अच्छा खासा नेट प्रॉफिट कंपनी बना रही है उसके हिसाब से। फिर कैश फ्लो पे नजर डालें ट्रेडर्स, तो कंपनी का बिजनेस जो है कैश फ्लो बताता है असलियत में कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, तो 3 करोड़ है कंपनी का जो बिजनेस है स्मूथली रन कर रहा है। फिर कंपाउंड सेल ग्रोथ और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है अगर 3 ईयर का देखें तो 20% है, 5 ईयर का 9% है, अगर पिछले 12 महीने का देखें तो घटा हुआ है कंपाउंड सेल ग्रोथ, पर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से पिछले 12 महीने का। तो हमको मेनली चीजों का देखें प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है कंपनी को, पर सेलिंग कम आ रही है, चीजों को माइट भी ये महंगा कर दिए हैं उसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। बाकी स्टॉक प्राइस CAGR देखा जाए 1 ईयर का 52% बहुत बढ़िया नंबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 5 ईयर का जो था वो 11%, 3 ईयर का भी 11%, 9 ईयर का लास्ट ईयर का 9%, तो इस हिसाब से ठीक ठाक दे रही है रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर ईयरली वाइज भी आप इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उस हिसाब से तो अच्छे नंबर दिख रहे हैं। बैलेंस शीट पे नजर डालने ट्रेस, तो कंपनी के रिजर्व्स पहले मार्च 2020 से सितंबर 2020 में 200 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। बोरोइंग्स घटी है, जो कि एक और अच्छी बात आ जाती है। देखिए 8100 करोड़ था, अब 5900 हुआ है, तो लगभग इन्होंने 2000 से ज्यादा कम किया है, और एक बहुत अच्छी बात निकल के आ जाती है। कंपनी की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है, तो एक और भी शानदार चीज है बैलेंस शीट में जो नजर आई है। अब आइए शेयर होल्डिंग पैटर्न और रेशियोज पे बात कर लेते हैं ट्रेस, तो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो बहुत ही शानदार नंबर है, और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, और ये काफी टाइम से एक बड़े नंबर पे है, 74%, 50% से ऊपर रहती है तो हम इसको अच्छा गिन लेते हैं। FIs की होल्डिंग जो है वो 0.99 है, बढ़ी है सितंबर से दिसंबर वाले नंबर में, ये भी एक अच्छी बात है। फिर उसके बाद पब्लिक की जो नंबर है वो आ गए हैं 23%, तो ये भी एक अच्छी बात है। FIs की होल्डिंग पहले से घटी है, पर वो उसका इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पब्लिक और FIs में देखिए DIs में ज़्यादा चिंता की बात रहती है कि उन्होंने अपनी घटाई है, तो थोड़ा जो अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो थोड़े कम इच्छुक हुए हैं, पर चल जाएगा क्योंकि पब्लिक की भी होल्डिंग इतनी बड़ी नंबर पे नहीं है। रेशियोस पे बात करें, वही डेप्टर डे चिंता में डालने वाली चीज़ है, 215 दिन का, बाकी सब कुछ रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी ठीक ठाक ही है 6%, रिटर्न इन्वर्टरी टर्नओवर जो है वो 7% है। आगे अगर बात करें इसके ट्रेंड और बाकी चीज़ों पे, जैसे रिटर्न कैसे दिए हैं, तो मंथली रिटर्न जो अभी करंटली चल रहा है 11% का दिया है, और ईयरली रिटर्न 54% का। बाकी सब चीजें आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था, ये जीरोधा का डाटा है। इस पे देखिए शेयर होल्डिंग जो है 73,000 दिखा रहे हैं, तो अगर इनका एक असली नंबर माना जाए तो ये काफी 73,000 अच्छा नंबर है, जैसे कि अभी ट्रेडिंग व्यू में 56 दिखाया था, उस हिसाब से ये बड़ा नंबर है। आगे अगर बात करें इसके चार्ट पे, तो जो अभी सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट 1 जो बन रहा है वो 33.50 पे, रेजिस्टेंस जो पहला बन रहा है ट्रेडर्स वो बन रहा है लगभग, अगर मैं आपको बताऊं तो वो बन जा रहा है 41 रुपीज के करीब पे। फिर उसके बाद देखिए अभी जो ये मेनली बन रहा है वो 45 वाला ही, अगर हम उसको लेके चलते हैं तो वो एक ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जिस सपोर्ट के ऊपर है वहां पे तो बाई कर नहीं सकते, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो अभी रेजिस्टेंस वही चल रहा है। तो अगर आपको मैं एक कॉल दूं, अगर आपको इसको परफेक्टली बाई करना है तो 37.55 रुपीज के आसपास बाई करिए, और इसको लॉन्ग करके चलेंगे तो 50 तक के टारगेट भी आपको आने वाले टाइम जरूर से मिलेंगे। लॉन्ग करके चलेंगे तब की बात है, बाकी आप अगर ट्रेडिंग के पर्पस से देखते हैं तो एक हाँ ट्रेडिंग वेट के लिए भी एक अच्छा शेयर है। ऐसा नहीं है कि आपने बाई किया है 1-2 महीने बाद ये कंपनी एकदम डूब जाएगी, ऐसा नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप बताइए आप इस कंपनी में शेयर होल्डिंग करके चल रहे हैं या नहीं।